हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे गांधीवाद की। गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी को कभी कभी लोग अराजकतावादी दार्शनिक भी कहते हैं। तो इससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें क्यों अराजकतावादी कहा जाता है। राज्य के संबंध में गांधी जी के जो विचारधारा थी, अराजकतावादी लोग कहते हैं कि उनकी जो विचारधारा है उसे अराजकतावादी कहते हैं। गांधी जी ने नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना और राज्य द्वारा नैतिकता का हनन किया जाना है। अतः या तो राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय होना चाहिए। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, राज्य केंद्रित और संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मावान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। गांधी जी ऐसा मानते हैं। गांधी जी ने राज्य विहीन समाज में सभी व्यक्ति पूर्णतः अहिंसक होंगे, ऐसा उनका मानना है। उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, अतः अपराध नहीं होंगे, फिर पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसा गांधी जी बताते हैं। यदि कहीं छिटपुट अपराध हुए भी तो उनका निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा कर लिया जाएगा। ऐसे समाज में सभी अपने शासक होंगे, सभी अपने शासित होंगे। स्वशासन का सरकार, वे अपने ऊपर इस प्रकार प्रशासन करेंगे कि दूसरे के मार्ग में बाधक ना बने। जीवन स्वच्छ, निर्मल और सादा होगा। ना बड़े बड़े नगर होंगे, ना गंदगी बस्तियां होंगी, ना गंदगी होगी, ना आधुनिक सभ्यता की तड़क भड़क होगी, ना उससे उत्पन्न रोग होंगे, ना बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, ना मनुष्य बेरोजगार होगा। सिद्धांत रूप से राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर गांधी की वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्व संचालित हो सके। इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही उनका विचार यह भी था कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, मतलब सरकार का इंटरफेरेंस कम हो। आगे कहते हैं गांधी जी की राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने इस एक्सप्लेनेशन में देखा कि किस आधार पे जो पश्चिमी दार्शनिक हैं वो गांधी जी को क्यों अराजकतावादी कहते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।